अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंटर। आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले ली हूँ, इसको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर ली हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे अपने रूटीन के मसाले। यहाँ हमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, ये मैंने दोनों ऐड करके पीस ली हूँ एक साथ में। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और यहाँ मैं एक नींबू का रस ऐड कर दे रही हूँ इसमें। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा। अगर आपके पास अगर टाइम हो तो इसे और टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं, ओवर नाइट वगैरह के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अभी आप चाहे तो इसे फ्राई पैन में भी इसे आप रोस्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ ओवन में लगा दे रही हूँ। हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है, जब तक अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के, 2 बड़े साइज के और 3 मीडियम साइज के मैंने टोमेटो ले लूँ। इसको भी हम इस तरह से, हमने इसके ऊपर ऐसा कट लगा देना है। इस तरह से मैंने कट लगा ली हूँ और अभी हम इसे बॉईल कर देंगे। टोमेटो हमारे बॉईल हो चुके हैं, फ्लेम को कर देंगे बंद। 3 से 4 चम्मच मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। चिकन चंगेजी में एक्चुअली ना, पुराने दिल्ली वाला जो चिकन चंगेजी है उसमें एक्चुअली ऑयल बहुत यूज कर। यहाँ मैंने 2 बड़ी साइज की प्याज एकदम बारीक चॉप कर ली हूँ। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। चिकन चंगेजी ना एक्चुअली पैन वगैरह या फिर बड़े से तवे में बनता है पुरानी दिल्ली में। अभी यहाँ मेरा इतना बड़ा तवा नहीं है तो मैंने ये बड़ी साइज़ की मैंने कढ़ाई ले ली हूँ। अगर आपके पास पैन अवेलेबल हो बड़े तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। हमारे टोमेटो ठंडे हो चुके हैं, इसको हमने एकदम फाइन नहीं पीसना है, एकदम दानेदार हम इसे पीसेंगे ताकि हमारी ग्रेवी एकदम दानेदार हो। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच मैं मिर्ची पाउडर ऐड कर दूंगी, 1/4 चम्मच में मैं हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दूंगी, आधा चम्मच यहाँ मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/4 स्पून में टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं धनिया और जीरे का पाउडर। आधा चम्मच यहाँ मैं ऐड कर दे रही हूँ लाल कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच मैं ऐड कर दे रही हूँ गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ आधा कप के करीब गरम पानी। आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी नॉनवेज पका रहे हो तो ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं ग्रेवी ने ऑयल पूरा अलग कर दिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो की प्यूरी, ये मैंने एकदम फाइन नहीं पीसी हूँ, थोड़ा सा मैंने दानेदार थोड़े से इसमें लम्स है, इसे हम अभी हम कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे भून लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी कितनी भी हमारी दानेदार बन गई है। 2 चम्मच के करीब नमक, अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपना चिकन। भी ऐड कर दूंगी मैं फ्रेश क्रीम और उसमें ऐड कर दूंगी मैं
आधा कप के करीब दही, इसको भी हमने आहिस्ते आहिस्ते से चलाना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा चिकन चंगेजी तैयार हो गया है। इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा धनिया, अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। हमारा चिकन चंगेजी रेडी हो चुका है, अभी हम करते हैं प्लेटिंग। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।